सत श्री अकाल फ्रेंड्स, की हाल चाल। तुहानू मैं कल पीस दिखाया जी, जिहड़ा मैं पाया होया ऑलरेडी। ये पीस वैसे तो बई मेरी बेस्ट पसंद ये वाला पीस ही आया हजे, क्योंकि सब तो उत्ते वाला जो मैं कहना ना, सब तो उत्ते वाला वॉम पीस वो चीज़ें बनियाँ, क्योंकि मैं खुद टेस्ट किया, खुद पा के घूम रहा इन अज कि खुद न मैं फील हो रहा, क्योंकि नीचे सिंपल जी स्वैटर पाई है उत्ते पा रहे डेवी स्वैटर वो दी है आठ सिंगल की, तो इन्ना खास वॉम तो होंगी नहीं स्वैटर। पीस बहुत प्यारा बनया, तो यदा स्टॉक कल उतरना कंप्लीट, पर तुम मैं बार बार कह रहा कि यह तू मिलेगा तो इस बार बल्क ही मिलेगा, सिंगल पीस नहीं मिल सकता। तो रीज़न की है, एक एक पीस करके ना मैं बहुत खज्जल बनती हो रही इस टाइम, क्योंकि मेन चक्कर साढ़ा बनता बल्क, एक पीस ले मैं भजना पैंता मार्केट, साढ़ा काम हैगा क्वानटिटी का। तो कोशिश करो कि क्वानटिटी ही ऑर्डर लगाओ। तो दूजी गल, जे किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो, आर्मी की लाग कैंप की लागे दुकान खोलनी हो, कॉन्टैक्ट करे, असं उन्होंने बहुत जैनुअल रेट जो रेट ला रहा मैं देवे, तो ईवन कि उन्होंने एक तो एक प्रोडक्ट देवे, क्योंकि मैं सारे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता इतने, क्योंकि मेरे को तो 375 डिजाइनस आ, तो होर भी स्कैचिंग हो चुकी है मेरी, तो बना। तो हाँ प्लीज़ जो बंदे देखते हैं वो लाइक तो सबसक्राइब कर दिया करो, क्योंकि देखोगे सबसक्राइब करोगे तो अगे अगे फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर पाओगे, भी सानू मोटिवेशन मिलती रहती है कि साड़ा पीस किदा दा बन रहा, सानू की रिस्पोंस आ रही है। जो बंदा सबसक्राइब करूगा, हुण मैं चैक किया सानू 90% देख रहे हैं, 9% सबसक्राइब कर रहे हैं। तो मैंने बड़ा फील होया कि यार शायद मेरे कॉन्टेंट्स में कोई गलती हो रही है, या मैं समझा नहीं पा रहा, या तो मेरा क्वालिटी नहीं इन्नी वधिया कि लोग देख के इग्नोर मार रहे हैं। तो जे यही रहा तो शायद मैं यूट्यूब हुण कुछ टाइम लिए क्लोज भी करता, क्योंकि जे जब किसी पसंद ही नहीं आ रहा तो मैं जबरदस्ती नहीं करा ना। सो आप पीस मैं तुम्हें कंप्लीट दिखा दिता, मैं कल पूरी तुम्हें अद्धी वीडियो दिखाई थी, सैकंड वीडियो की पूरी दिखा दी। प्लीज का देखो, फर्स्ट टाइम फर्स्ट लुक परफेक्टली आ गई, और सैकंड लुक यदि आया जस्ट सीलिंग पाऊगा। पीस की क्वालिटी भी देख सकते हो, यहाँ एक्चुअली स्टॉक उतर चुका है, मैं ये शॉर्ट वीडियो पाई थी कि देखियो होना मेरी फैक्ट्री, सैकंड लुक देखो कितनी सोहनी बनी है। परफेक्ट है, जिप उत्ते बोन लाई हुई है, कि कंट्रास्ट हो जाए बाजू के ना, कि पीस बहुत सोहना लग रहा है ना। इसकी लेंथ हैगी 27+ का। हाँ एक ब्रदर ने पूछा आर्मन, हर पीस की आर्मन सेम नहीं होगी, किसी विच डिजाइन कुछ होंगे, किसी विच कुछ होंगे, किसी फैंसी इलास्टिक लगा होंगे, एल साइज की कई 27 भी होंगी, कई 26 भी होंगी, जिदा रिब लग गई हम इसकी आर्मन भी अपना चेक करके दिखाते हैं। इसकी आर्मन हैगी देखो 24 है, बट जब मैं परफेक्टली विछाऊंगा पीस की तब यदि आर्मन होने वादी हुई, क्योंकि चेक भी करते हैं परफेक्ट चेक करा दी सू परफेक्ट भी, क्योंकि जो मैक्सीमम आर्मन है ना वो तुम जो करैक्ट आर्मन है वो एल जे साइज की 24 ही आनी चाहिए है, तो प्लस होगी और रिब के ना होगी। एल साइज 25 एक्चुअली, देखो इतों लैके इतने तक ये 25 आ रही है, कंप्लीट दिखा देना। हाँ देखो 25, तो चेस्ट हैगी अराउंड एल साइज का दिखा रहा, एक्सल नहीं है, 22.5 मतलब कि नहीं 23 आ सॉरी 23 या एक सेंटीमीटर का फर्क है। तो लेंथ हैगी 28 लेंथ है, तो पीस बहुत प्यारा बनया, तुम देख सकते हो। मैं खुद लिए पसंद कर लिया एक पीस की भाई मैं ही रख लाँगा, क्योंकि मैं चीज़ कंफर्टेबल लगी, क्योंकि मैं हमेशा एक ही गल कहता पहले मैं कस्टमर हाँ फिर मैं डीलर हाँ, तो जिन्हों ये पीस पसंद आया हो प्लीज़ बल्कि जोड़ लिखाओ, घट्टो घट 6 to 12 पीस ही मिलने तुम्हें, सिंगल पीस नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सिंगल पीस भी मना ही हो चुकी हुई है। रीज़न की है, एक पीस पिछे मैंने बहुत ज़्यादा भाई दौड़ करनी पै रही है, तो साड़ा काम ऑलरेडी बल्क है, तो मैं आर्मी भाइयों यही गल कहना तुम रेट उ मिलेगा, बट कोशिश करो 6 to 12 पीस का ऑर्डर लगाने की, सानू भी थोड़ा जि हो, देखो कुरियर वाले अपने पैसे लेंदे
ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 12 ਪੀਸ ਲਿਖਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਕੇ ਜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 70-80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਦੋ ਤਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੋਰੀਅਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰੀਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ 1-2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਸਲਿੱਪ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਟ ਕੋਰੀਅਰ ਵਾਲਾ ਜੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਸਭ ਹੈਂਡਲ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਉਹਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਰੀਅਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਮੌਸਮ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੀਸ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਫਸਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ।